गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ सौरभ चौहान और आज मैं आपको लेकर आया हूँ गुजरात के सूरत शहर में। तो आज हम ट्राई करने वाले कटहल, तो चले देखते हैं कटहल की कटिंग कैसे होती है और इसको खा के टेस्ट करते हैं कैसा लगता है। वीडियो को एंड तक देखना, मज़ा आ जाएगा। क्या लगा रहे हो भैया? ये हाथों पे तेल लगाया जाता है इसको काटने के लिए। तेल लगाया जाता है? हाँ, मतलब खुजली नहीं होती इसके लिए तेल लगाते हैं? नहीं, इसके अंदर जो चिपचिपा निकलता है ना, इसके लिए। इसके लिए? हाँ। कटहल की सब्जी भी खाते हैं ना बना के? कच्चा वाला होता है उसकी? हाँ, कच्चा होता है भाई, इसकी सब्जी बना के खाते हैं। मेरा नाम राज है। राज है? हाँ। कितने टाइम से कर रहे हो आप ये? मेरे को 2 महीने हो गया इसमें। 2 महीने हो गए? हाँ। तो लारी कौन सी जगह पे लगाते हो तुम यहाँ पे सूरत में? यहाँ ही लगाता हूँ मैं रोज। जहाँ, मतलब एरिया कौन सा है ये? अगर किसी को यहाँ पे आना हो तो तुम्हारी लारी पे? ये रामनगर रोड पे। रामनगर रोड पे? हाँ। इसको ऐसे काट के फिर इसको साफ किया जाता है। साफ करके इसका फ्रूट निकालते हैं ना? हाँ, ऐसे इसको साफ किया जाता है। खाने में मीठा लगता होगा ना बहुत? हाँ, खाने में बहुत मीठा आता है। तो सुबह से ही चालू कर देते हो लगाने यहाँ पे लारी? हाँ, सुबह 10 बजे से चालू हो जाती है। रात तक? रात तक चलती है। बहुत से लोगों को पता नहीं है इसको क्या कहते हैं। हाँ, काफी लोगों को नहीं पता है, काफी लोगों ने तो खाया भी नहीं है। सही बात है। इसके अंदर जो गुठली रहती है वो भी खा सकते हैं ना? हाँ, गुठली भी खा सकते हैं। और खा सकते हैं, सब्जी बना के भी खा सकते हैं। मीठी लगती है ना अंदर की गुठली? हाँ, मीठी लगती है इसकी गुठली। इसमें से 2-3 किलो निकल जाता है। 2-3 किलो निकल जाते हैं? हाँ, बड़ा लोगे तो 7-8 किलो निकल जाता है। तो साइज के ऊपर डिपेंड करता है ना? हाँ हाँ। इसको ऐसे खोल दिया जाता है, पूरा खोल दिया जाता है ना इसको? हाँ। रुको भाई, निकाल के खाया जाता है।